खबर बिलासपुर से, जहां पर पूर्व सीएम अमित जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। केयरटेकर मनवा उर्फ संतोष कौशिक के सुसाइड मामले में ये मामला दर्ज हुआ है। मामले में मृतक के परिजनों ने जोगी परिवार पर आरोप लगाया कि उसे चोरी के नाम पर डराया और धमकाया जा रहा था। इस बात की सूचना उसने अपनी पत्नी को भी दी थी। परिजन की शिकायत के बाद बिलासपुर पुलिस ने अजीत जोगी अमित जोगी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 15 जनवरी को जोगी परिवार के बिलासपुर स्थित आवास मरवाही सदन में जो वहां कर्मचारी काम करता था संतोष कौशिक, उसने आत्महत्या कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद मृतक संतोष कौशिक के परिजनों ने पुलिस से जोगी परिवार के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की FIR दर्ज कराई थी और इस मामला दर्ज हो गया। अधिक जानकारी का शैलेंद्र पाठक हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, यहां पर जो मृतक था संतोष कौशिक, उसके परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके बाद थाने में यहां पर दोनों ही लोगों के खिलाफ, अमित जोगी और अजीत जोगी के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। ये जो खानसामा था संतोष मनवा संतोष कौशिक, ये अजीत जोगी अमित जोगी के बंगले में केयर टेकर के रूप में था। ये खानसामा के रूप में काम करता था, 5-6 साल से काम करता था। और ये तो जिस दौरान घटना हुई, उस दौरान घर में जो है वो नौकर चाकर और जो बंगले का सरकारी जो बंगला है उसमें गार्ड तैनात थे, उनका एक कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात था और इसके अंदर काम करने बैठे थे 3-4 लोग थे और उस दिन परिवार योगी परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ नहीं था। तो घटना को लेकर के कहा जा रहा है कि इस तरीके से आरोप उसको लगा रहे हैं क्योंकि सामान को चोरी को लेकर के उसको दबाव बनाया गया था और वो सुसाइड करने से पहले उसने अपनी पत्नी को सबसे फोन करके बताया था होते हुए कि उसको किसी चीज की चोरी के दबाव में उसको कबूल करने के लिए जबरिया धमकाया जा रहा, डराया जा रहा, इस तरीके की बात उसने अपनी पत्नी से कही थी, जिनको लेकर उसके भाई ने कल पीएम इनको आने के बाद पीएम के पास जो है दबाव बनाया पुलिस पर और पुलिस ने जिस तरीके से तरह से चक्का जारी लोगों ने किया था, उसके बाद पुलिस सरेंडर हुई और एक मामला दर्ज किया गया 306 के तहत अमित जोगी और अजीत जोगी के खिलाफ की जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला है। और अब इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस का कहना है कि इसमें जो आगे की कार्रवाई है वो जांच लिए गए हैं, उसके बाद जो है बाकी की कार्रवाई सारी है वो बात को की जाए। शैलेंद्र, ये पहला मामला है इससे पहले भी जो वहां के उनके निवास पर कार्य करने वाले जो कर्मचारी है वो इस प्रकार की कोई शिकायत पहले भी कर चुके हैं या जिक्र कर चुके हैं इस प्रकार का? अभी पहला मामला है इस तरीके से, पहला मामला और जिस तरीके से शायद वो दबाव नहीं झेल पाया या साथ चले गया, पुलिस जब जांच करेगी तो सामने आएगी चीजें की अंतिम क्या था मामला। जिस तरीके से घटना से पहले उसने परिवार से बात की थी, पुलिस उसको अहम सुराग मानती है और उसकी पत्नी से जांच में बात करेगी तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये पहला मामला है, इस तरीके से कहीं ना कहीं उसने ये बताने की कोशिश की है कि जो मृतक था संतोष मनवा काफी मिलनसार था, वहाँ लंबे समय से जो है वो काम कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो प्रताड़ना के बाद उसके तस्वीर है उनको शायद वो सह नहीं पाया, यही डर भाई ने उसने जो है स्ट्राइक कर लिया उसके में ही ये घटना पहुंच जाती है। चलिए, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। शैलन, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा की 2 दिवसीय